नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। करंट अफेयर की सीरीज में हम देख रहे हैं आज मई की चौथी क्लास। मई की तीन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जनवरी से अप्रैल तक का करंट अफेयर मैंने पूरा करा दिया है। मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है, और साथ ही जो शाम को इवनिंग में जो है आर्थिक समीक्षा की क्लास होती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर हो चाहे आर्थिक समीक्षा हो। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पे बने रहिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो है करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से पढ़ो या कहीं और से पढ़ो, पढ़ना जरूर पड़ेगा। तो मैं अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे रखता हूँ, और एग्जाम ऑन उससे भी रखता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए आज की करंट अफेयर क्लास में हमने जो है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना जो लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था, वहां से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना की हम बात करें तो शुरुआत जो है वर्ष 2016 में हुई थी, और एक केंद्र की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसकी शुरुआत जो है 2016 में हुई थी। इसमें जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी का 100% अनुदान दिया गया था। जो भी कार्यान्वयन एजेंसी थी जो इसको योजना को चला रही थी, केंद्र सरकार ने 100% उसका वित्त पोषण किया गया है। और ये परियोजना जो है केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और विश्व बैंक की ओर से वित्त पोषित है। मतलब आप ये देखिए कि ये इसमें जो सहयोग है विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है, और ये जो केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय है उसमें ये जो है इस योजना को चला रहा है। इसके तहत 8 वर्ष की अवधि में 3680 करोड़ रुपए के बजट जो है खर्च किया जाएगा। इसमें 8 साल के अंदर 3680 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और इस परियोजना की जो अवधि है मार्च 2024 थी, लेकिन इसको बढ़ाकर अब जो है सितंबर 2025 कर दिया गया है। मतलब 1 साल का एक्सटेंड कर दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य की हम बात कर ले कि इस परियोजना आखिर लाई क्यों गई थी, तो इसमें देखो कि जल संसाधन सूचना की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच में सुधार करना तथा भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन का संस्थानों को उनकी क्षमताओं को मजबूत करना है। मतलब जल संसाधनों की सूचना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, और जो भी जल संसाधन के जो संस्थाएं हैं जो प्रबंधन करती है जल संसाधनों का, उनकी जो है क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और उनमें सुधार करने के लिए ये जो है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना लाई गई थी। अब एक आपने बांधों के बारे में एक नाम सुना होगा, स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम क्या होता है? स्काडा सिस्टम का नाम है, देखो सबसे पहले तो सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। मतलब यह एक रिमोट कंट्रोल आधारित स्वचालित केंद्रीकृत व्यवस्था है। रिमोट कंट्रोल आधारित स्वचालित ऑटोमेटिक है, और ये केंद्रीकृत व्यवस्था है। इसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन केंद्रीकृत होता है। इसमें जल आपूर्ति में फॉल्ट के बारे में जानकारी मिलेगी। मतलब क्या है कि जैसे कोई बांध होते हैं, तो बांध में अगर कोई पानी की कमी हो गई है या पानी का लेवल ज्यादा हो गया है, तो ऑनलाइन आपके पास सूचना आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जाके नापना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये इस सीमा से ऊपर जा चुका है जल, तो जल ज्यादा हो चुका है या कम हो चुका है। तो ये एक ऑनलाइन प्रणाली है, तो मतलब अपने आप ही अलार्म या जो भी मैसेज है आपके पास आ जाएगा। ये कंप्यूटरीकृत जो है ऑनलाइन प्रणाली है, अगर जल स्तर ऊंचा है या नीचा है तो उसके बारे में जो है अपने आप अलर्ट जारी हो जाएगा, और फॉल्ट लोकेशन की भी सही स्थिति की जानकारी में बचत होगी। मतलब अगर ये देखो आप कि जैसे बांधों से जैसे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, या बांध कहीं से रिस रहा है, या बांध में कहीं पर फॉल्ट आ गया है, पाइपलाइन में कहीं फॉल्ट आ गया है, तो उसकी जो है जानकारी करने के लिए बहुत सारा जो है पहले मैन पावर भी लगती थी और टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन अब ये एक ऐसा सिस्टम है कि इसके द्वारा आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि इस जगह पर, इस पाइप में यहाँ पर जो है फॉल्ट आया हुआ है, तो उसको जो है सुधारने में बहुत जल्दी से कम मैन पावर लगेगी, समय की बचत होगी, और जल्दी से उसका जो है निस्तारण कर दिया जाएगा। नहीं तो लाखों जो है पानी, लाखों टन या लाखों गैलन पानी व्यर्थ में ही बह जाता है। आपने देखा होगा। तो ये एक बढ़िया सिस्टम है। इस सिस्टम से ही लाइन में आने वाली समस्याओं के बारे में जो है अभियंता मतलब जयंस को, इंजीनियर्स को ऑनलाइन दिशा निर्देश भी दिए जा सकेंगे। तो स्काडा सिस्टम आपने सुना होगा। तो स्काडा सिस्टम अब राजस्थान के हर बांध के अंदर लगाया जा रहा है, तो बढ़िया है कि पानी की वेस्टेज को भी इसमें बचाया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा लड़ाकू विमान हेतु रडार एब्जॉर्बिंग पैंट तैयार किया गया। ठीक है, तो डीआरडीओ से संबंध और रक्षा प्रयोगशाला, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि रक्षा प्रयोगशाला कहाँ पर है। रक्षा प्रयोगशाला हमारे राजस्थान के अंदर जोधपुर के अंदर है, और डीआरडीओ से जो जुड़ी हुई है ये संस्था, इसने जो है रडार एब्जॉर्बिंग पैंट भारतीय वायुसेना के सभी लड़ाकू विमानों पर लगाया जाएगा। तो इन्होंने एक पैंट तैयार किया है कि वो जो कि रडार एब्जॉर्बिंग मतलब रडार के अंदर वो नहीं आएगा। इसमें वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन देशों के रडार की पहुंच से दूर रहेंगे। ठीक
मतलब कोई भी जो विमान है उस पर अगर ये पेंट किया जाएगा तो वो रडार के अंदर नहीं आएंगे, ऐसा ये तकनीक विकसित की। और ये तकनीक जो है डीआरडीओ द्वारा 3 कंपनियों को ट्रांसफर भी किया जा रहा है। इसके तहत कंपनियां वायुसेना बेस पर जाकर लड़ाकू विमानों को पेंट करेंगी, मतलब ये तीनों कंपनियां वायुसेना के बेस पर जाएंगी और सभी जो लड़ाकू विमान है उनको पेंट करेगी, ताकि जो है रडार से बचाया जा सके, दुश्मन देश की रडार से उनको बचाया जा सके। ठीक है, डीआरडीओ जोधपुर ने 2019 में रडार ऑब्जर्वेटिंग पेंट तैयार किया था। इसके बाद इसकी जो है 5 साल तक टेस्टिंग की जा रही थी। इस पेंट का जो उपयोग है सामरिक महत्व की वस्तुओं पर भी किया जाएगा। इसमें परीक्षण के दौरान एयरवेज पर पेंट के बाद हवा में उड़ रहा लड़ाकू विमान को रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो सिंपल सी चीज है। तो किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने पहले किया था। इसकी जो टेस्टिंग है वो रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा की गई थी। पेंट का जो दक्षिणी भारत में नेवी के बेस पर मिग-29 लड़ाकू विमान पर एक परीक्षण किया गया है जो कि सफल रहा है। कहाँ पर किया गया है? दक्षिणी जो भारत है, साउथ इंडिया है, वहां पर मिग-29 के ऊपर ये पेंट का परीक्षण किया गया है। ठीक है, फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान और अमेरिका के F-14 लड़ाकू विमानों पर भी ये रडार पेंट होता है। अभी देखो, रफाल जो है फ्रांस से जो हमने खरीदा है उस पर भी ये पेंट होता है, और अमेरिका का जो F-14 विमान है उस पर भी ये पेंट होता है ऑलरेडी। इसके अलावा रूस और चीन भी इस टेक्नोलॉजी में को विकसित कर चुके हैं। तो रूस, फ्रांस, अमेरिका और भारत और चीन, ये सभी रडार से बचने के लिए इस पेंट को विकसित कर चुके हैं। इंपोर्टेंट क्या है इसमें? इंपोर्टेंट ये है कि हमारे जो है जोधपुर में जो रक्षा प्रयोगशाला है वहां पर जो है इसका किया गया था। रडार एब्जॉर्बिंग पेंट की विशेषताओं की हम बात करें तो 90% तरंगों का अवशोषण करने की क्षमता है। रडार रडार कैसे पकड़ में आता है? रडार से कोई विमान कैसे पकड़ में आता है, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो ये वाला लेते हैं, रेड कलर, ये आसमान में ये विमान उड़ रहा है, ये लो विमान उड़ रहा है। ठीक है, विमान जैसा तो नहीं लग रहा पर ये मान लो विमान उड़ रहा है ना, और नीचे ये रडार सेंसर लगा हुआ है। तो जब ये इसकी रेंज में आएगा, ये जो है इसकी रेंज में आएगा, तो यहां से किरणें निकलती है। ठीक है, ये किरणें निकल गई और इससे टकराएंगी। इससे जब किरणें टकराएंगी तो ये किरणें टकराकर वापस आती है, संकेत देती है, परावर्तित हो जाती है किरणें वापस से टकराकर, तब जाके ये पता चलता है कि हाँ यहाँ पर कोई रडार जो है विमान आ चुका है। लेकिन अब क्या होगा, जब ये किरणें निकलेगी ना, जब ये किरणें निकलेंगी ऊपर, तो इस पे जो पेंट किया हुआ है ये इन किरणों को अवशोषित कर लेगा। अवशोषित कर लेगा मतलब इन किरणों को वापस नहीं जाने देगा, वापस नहीं जाने देगा, ये जाने ही नहीं देगा ये पेंट। तो इससे क्या होगा कि जो है रडार से जो है बचा जा सकता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ऑयल, पानी, एयर टरबाइन फ्यूल के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना इसका उद्देश्य है, और थर्मल शॉक साइकिलिंग को झेलने की भी इसकी क्षमता है। प्रेशर गन के माध्यम से ये जो है कलर किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है। आगे देखो, केंद्र राज्य के संयुक्त उपक्रम बीकानेर में लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट में विद्युत का उत्पादन होगा। जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, इनका एक संयुक्त उपक्रम है बीकानेर लिग्नाइट। ठीक है, यहाँ पर जो है बिजली का उत्पादन अब किया जाएगा। बीकानेर के गुड़ा वेस्ट में 125 मेगावाट क्षमता के प्लांट में लिग्नाइट से जो है विद्युत का उत्पादन होगा, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है, दोनों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, इसके लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और भारत सरकार की कंपनी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के मध्य जो है समझौता हुआ है, और ये ज्वाइंट वेंचर कंपनी का गठन होगा। मतलब राजस्थान की तो कौन सी कंपनी है, राजस्थान की जो सरकारी कंपनी है उसका क्या नाम है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान स्टेट ये है RVNL, RSVNL नहीं है, RVUNL, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है ना। और एक कौन सी है केंद्र सरकार की? नेवली, नेवली लिग्नाइट। ठीक है, इन दोनों के मध्य MOU हुआ है, दोनों के मध्य समझौता हुआ है, और ये दोनों जो है अब लिग्नाइट से क्या है बिजली बनाने का काम करेंगे। 125 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता का प्लांट विकसित करेंगे। इसमें राजस्थान में विद्युत उत्पादन भी सस्ता होगा, सस्ता विद्युत उत्पादन होगा, और जो है लाइट भी सस्ती मिलेगी और सब जगह लाइट पहुंचेगी। राजस्थान में प्रचुर मात्रा में लिग्नाइट उपलब्ध है। आपको पता है लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट है दोस्तों कोयला, कोयला का एक प्रकार है ना। आपने देखा होगा एंथरसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट, ये चार प्रकार होते हैं कोयले के। तो लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट से कोयले बनाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार है,
लिग्नाइट के भंडार है राजस्थान में, तो लिग्नाइट कोयला जो है उससे जो है बिजली बनाने का काम होगा, और ये इस बिजली उत्पादन की जो कीमत है, इस बिजली उत्पादन की लागत है 3.80 रुपये प्रति यूनिट आंकी गई है। ठीक है, इससे करीब 2000 प्रति टन परिवहन लागत बचेगी, जबकि अब थर्मल पावर प्लांट के लिए छत्तीसगढ़ उड़ीसा से कोयला मंगवाया जाता है। ठीक है, अभी कहाँ से कोयला मंगवाया जाता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मंगवाया जाता है कोयला, लेकिन अब लिग्नाइट कोयला भी अपने यहाँ है तो यहाँ पर भी विद्युत का उत्पादन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये परिवहन की लागत में बचत होगी। ठीक है, अब जो थर्मल पावर प्लांट के अनुपात में लिग्नाइट आधारित प्लांट बिजली उत्पादन में 90 पैसे से 1 रुपये प्रति यूनिट सस्ता होगा। इसके अलावा बाड़मेर के जालीपा कपूरडीह माइंस में क्या है, लिग्नाइट के भंडार हैं। इसके अलावा बाड़मेर के कपूरडीह जालीपा, बाड़मेर में खान है कपूरडीह जालीपा, वहां पर जो है लिग्नाइट के भंडार हैं, और बीकानेर में जो है ये प्लांट लग रहा है तो पास में ही है। वर्तमान में राजस्थान में लिग्नाइट से विद्युत उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये एक निजी कंपनी राजवेश द्वारा किया जा रहा है। लिग्नाइट से उत्पादन तो वर्तमान में भी हो रहा है, लेकिन ये निजी कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा जो है ये उत्पादन किया जा रहा है। उस प्राइवेट कंपनी का नाम है राजवेश। तो अब आने वाले समय में जो सरकार है वो सरकारी उत्पादन करेगी। ठीक है, अभी वर्तमान में राजवेश की जो क्षमता है वो 135 मेगावाट की, 135 मेगावाट की 8 यूनिट लगाई हुई है, और अब जो राजस्थान में 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन किससे होगा, सरकारी कंपनी में से होगा। RTO सर्वाधिक NBA एक्रीडिटेशन के साथ राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय बनेगा। RTO कहाँ है, RTO कहाँ पर है दोस्तों, आपको पता होगा RTO कहाँ है, कोटा के अंदर है ना, नेशनल राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सर्वाधिक NBA एक्रीडिटेशन के साथ राजस्थान का पहली तकनीकी विद्या, पहली जो है टेक्नोलॉजी विद्यालय बनेगा। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के बीटेक इंजीनियर प्रोग्राम की मैकेनिक इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन, ये आप देख लेना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है RTO में क्या बनेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। ठीक है, तो इतना वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखो, केंद्र सरकार क्रिटिकल मिनरल्स में अनुसंधान हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देगी। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देगी किस लिए, क्रिटिकल मिनरल्स में अनुसंधान हेतु। राजस्थान की में महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने को लेकर प्रोत्साहन देगी। मतलब खनन का कार्य जो है क्रिटिकल, जो अति दुर्लभ खनिज है, उनके लिए भी अब प्राइवेट को जो है संस्थाओं को क्या देगी, मंजूरी देगी कि आप भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। आगे देखो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में बोन एवं टिश्यू बैंक खुलेगा। बोन और टिश्यू बैंक खुलेगा सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। अब ट्रांसप्लांट के लिए आने वाले और दुर्घटनाग्रस्त गंभीर मरीजों के लिए ट्रॉमा सेंटर में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA लैब, बोन एवं टिश्यू बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए लगभग 4 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। SMS में जो है 4 करोड़ रुपए का बजट इसलिए रखा गया कि बोन और टिश्यू बैंक के लिए, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन के बाद अंग प्रत्यारोपण के लिए जरूरी है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट की जरूरत होती है। अब इसमें ऑर्गन डोनर और रिसीवर के टिश्यू मैच करवाए जाते हैं, जिससे पता लगाया जाता है कि डोनर का अंग रिसीवर यानी लेने वाले के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं। मतलब आपको ये पता चल गया होगा, ट्रांसप्लांटेशन जो होता है तो किसी का अंग किसी दूसरे के लगाया जाता है, तो पहले ये पता किया जाता है कि उसका अंग उसको ऑब्जर्व ही कर लेगा क्या, उसकी जो बॉडी है उस अंग को ऑब्जर्व ही कर लेगी क्या, तो उसका जो है टेस्ट कराने को क्या कहते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन की जो लैब है उसमें जो है इसका टेस्ट करवाया जाता है। तो ये अब SMS अस्पताल में ही जो है लैब बन जाएगी, इससे जो है ट्रांसप्लांट में लगने वाले समय में कमी होगी। HLA लैब के साथ ही अस्पताल में बोन और टिश्यू बैंक भी बनाया जा रहा है। इसमें जो है दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त हड्डी के दुर्घटना स्थल पर ही रह जाने या हड्डी के ज्यादा क्षतिग्रस्त होने पर हड्डी के गैप को मिटाने के लिए नई हड्डी लगाई जा सकेगी। आपको ये ध्यान रखना है, कि जो है बोन और टिश्यू बैंक ये कहाँ पर है, SMS में कहाँ पे, जयपुर में। आगे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी की विकसित की जाएगी। ये अंतरिम बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी कि जयपुर के अंदर जो है राजस्थान की पहली हाईटेक सिटी होगी। भारत में कई राज्यों में अपने बड़े शहरों के पास सैटेलाइट सिटी विकसित कर ली है, जैसे कि मुंबई के पास पुणे, हैदराबाद के पास साइबराबाद, अहमदाबाद के पास गिफ्ट सिटी है ना, तो जयपुर के निकट भी अब इस हाईटेक सिटी टाउनशिप में IT, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, AI और ML समेत अन्य नए एज एब्जेक्ट्स के साथ कंपनियां
इस तरह सुविधा दी जाएगी। तो जयपुर के अंदर हाईटेक सिटी बनेगी और हाईटेक सिटी में जो है ये सारी चीजें उपलब्ध होगी। और ये जहां तक सांगनेर की साइड ये जो है हाईटेक सिटी बनने की योजना बनाई जा रही है, जो डिग्गी मालपुरा वाला रोड है ना वहां पर। इससे राजधानी जयपुर का आर्थिक विकास होगा और साथ ही आईटी क्षेत्र के युवाओं के लिए नई रोजगार भी अवसर सर्जित होंगे। दो तीन जगह लोकेट की थी अभी, तो दो तीन जगह थे, जैसे एक तो कानोता की साइड है और एक आपके सीकर रोड पे है, तो वहां, और एक आपके सांगनेर, तो वहां पे तीनों जगह में से एक जगह डिसाइड करनी है। तो हो सकता है सांगनेर वाली जो है जगह फाइनल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है हाईटेक सिटी के लिए पर्याप्त आवश्यक दशाएं भी हैं। रामगढ़ बांध में प्रथम फेज में लाया जाएगा पानी। रामगढ़ बांध में पूर्वी राजस्थान नहर के प्रथम चरण में पानी लाया जाएगा। जो जयपुर का रामगढ़ बांध है इसमें जो है पानी लाया जाएगा, अब क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत सूखा पड़ा है और लोगों ने यहाँ पे काफी अतिक्रमण भी कर लिया है, तो रामगढ़ बांध के अंदर जो है पानी लाया जाएगा। वो भी कब? पूर्वी राजस्थान नहर योजना है उससे जो है पानी लाया जाएगा इसके प्रथम चरण में। और यहाँ पर जयपुर के जो पेयजल उपलब्ध हो सकेगा, सिंचाई का जो है सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध हो सकेगा। आगे देखो, सिद्धि शर्मा और अंजलि जाट की हम बात करें तो राजस्थान की युवा अंडर 19 वीमेन खिलाड़ी सिद्धि शर्मा और अंजलि जाट का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी की ओर से आयोजित अंडर 19 वीमेन्स चैंपियनशिप के लिए किया गया है। सिद्धि शर्मा और अंजलि जाट का जो है अंडर 19 में वीमेन खिलाड़ी क्रिकेट के अंदर इनका जो है सिलेक्शन हुआ है, ध्यान रखना। सिद्धि शर्मा की हम बात करें तो सिद्धि शर्मा क्या है, राइट ऑलराउंडर है ना, राइट ऑलराउंडर, राइट एंड मतलब राइट ही हेल्थी है और बैटर भी है और बॉलर भी है। अंजलि जाट राइट आर्म मध्यम तेज गति गेंदबाज है, ठीक है, ये बॉलर है और ये ऑलराउंडर है। जूही प्रजापति की बात करें तो जूही प्रजापति क्या है, कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने और 10 से 11 वर्ष के आयु वर्ग में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए दोहरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस चैंपियनशिप में 22 राज्यों से 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो जूही प्रजापति ने कराटे के अंदर क्या लिया है, मेडल लिया है डबल। एशियाई जू जित्सु प्रतियोगिता, इसका जो है आयोजन अबू धाबी में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। आयोजन इसका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया तथा एशियन जू जित्सु यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ था। नंद किशोर जाखड़ का नाम याद रखना, नंद किशोर जाखड़ ने एशियाई जू जित्सु प्रतियोगिता में जो है कांस्य पदक जीता है 94 किलो के अंदर। नंद किशोर जाखड़ ने 94 किलो के अंदर कांस्य पदक जीता है, जो कि जयपुर के हैं, ठीक है, एशियाई जू जित्सु प्रतियोगिता के अंदर। गोजुरियो कराटे चैंपियन, ये श्रीगंगानगर में इसका आयोजन हुआ था, गोजुरियो कराटे चैंपियनशिप का है ना, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रख लेना। तो ओजस गुजरात ने स्वर्ण पदक जीता है। नेशनल कराटे प्रतियोगिता, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हिमाचल में हुआ था, इसमें जो प्रणिका भार्गव वो महेंद्र चौहान ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। आर्यन ने कांस्य जीता है और वियान जैन और शौर्य मीना और अक्षत सिन्हा ने रजत पदक जीता है। तो नेशनल कराटे का आयोजन कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था, हिमाचल प्रदेश में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये जरूर पूछा जा सकता है कि स्वर्ण किसने जीता, प्रणिका भार्गव महेंद्र चौहान, रजत और कांस्य पे इतना फोकस नहीं होगा। ग्रैपलिंग में राजस्थान ने 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित हुए। ग्रैपलिंग में राजस्थान के 4 खिलाड़ी, ग्रैपलिंग एक चैंपियनशिप फिलीपींस के तगाते में आयोजित हुई थी और इसके अंदर जो है राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने क्या जीता है, ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग में राजस्थान के 4 खिलाड़ी का चयन हुआ है, जिसमें एक है दीक्षिता जोशी, दीपक नेहरा, पुष्पेंद्र सिंह और हंसराज मीना, ठीक है, दीक्षिता जोशी, दीपक नेहरा, पुष्पेंद्र सिंह और हंसराज मीना। DPDH कर लो या DDPH कर लो, पुष्पेंद्र, हंसराज, दीपिका, दीक्षिता, दीपक और दीक्षिता, ठीक है। तो राजस्थान के सुरेंद्र सिंह एशियन रेफरी के लिए चयनित किया गया, राजस्थान के जो सुरेंद्र सिंह है उनको एशियन रेफरी के लिए चयनित किया गया है। जगदीश तंवर के नेतृत्व में भारत जीता किसमें, विश्व टेनिस प्रतियोगिता में 50 आयु वर्ग में इसका आयोजन मैक्सिमो में किया गया था और राजस्थान के जो जगदीश तंवर हैं इनकी कप्तानी में भारतीय टीम के पूर्व चैंपियन फ्रांस, भारतीय टीम ने पूर्व चैंपियन फ्रांस को 2-1 से हराया है। भारतीय टीम में जगदीश कंवर कप्तान थे और राजस्थान के नितिन कीर्तन, अंजलि सैले और हरतिंदर पंवर थे। तो राजस्थान के कौन थे इसमें, जगदीश तंवर, इनका जो नेतृत्व है, इनके जो नेतृत्व में क्या जीता है भारत ने, विश्व टेनिस प्रतियोगिता जीता है।
जय नारायण चौधरी की हम बात करें तो जय नारायण चौधरी हैं जो भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के मुख्य नए कोच बने हैं। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के नए कोच बने हैं जय नारायण चौधरी। अक्षय राज सिंह राठौड़ की हम बात करें तो अक्षय राज सिंह राठौड़, ये नाम याद रख लेना, बहुत काम का नाम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अक्षय राज सिंह राठौड़ भारत ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित सेंट्रल एशियन ओपन हैंडबॉल चैंपियनशिप में पदक जीता है। इसमें पुरुष वर्ग में कांस्य पदक मैच में भारत ने किर्गिस्तान को 34-31 से हराया। भारत ने किर्गिस्तान को हराया है किसमें, एशियन ओपन हैंडबॉल चैंपियन में। भारतीय टीम में राजस्थान के कौन थे, जयपुर के तो अक्षय राज सिंह राठौड़ थे, और हनुमानगढ़ के राय सिंह थे, और बूंदी के शाहरुख गौरी थे। ये जो भारत की जो टीम थी, ठीक है, इसके अंदर अक्षय राज सिंह जयपुर के थे, हनुमानगढ़ के राय सिंह थे, और बूंदी के शाहरुख गौरी थे। ठीक है, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। जो अक्षय राज सिंह जो राठौड़ थे, इन्होंने जो है गोलकीपर थे ये, और इन्होंने भारत का इस खेल के अंदर काफी जो है अच्छा प्रदर्शन किया, और इनकी बदौलत ही ये कांस्य पदक जीत के आए। आगे देखो, अवलोकित सिंह की हम बात करें तो अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड जूनियर स्वैक्स चैंपियनशिप में जयपुर के अवलोकित सिंह का चयन हुआ है। आगे देखो, संस्कार सारावत की हम बात करें तो संस्कार सारावत जो है वर्तमान में बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, और इंडोनेशिया के योजकर्ता में आयोजित होने वाली एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के संस्कार सारावत ने भारतीय बैडमिंटन टीम का प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो स्पोर्ट्स वाला भी जो है करंट अफेयर आता है, तो यहाँ से जो है आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी हम राष्ट्रीय परिदृश्य भी जो है हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्लास लंबी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया था वहाँ राष्ट्रीय, लेकिन अभी जो है हम खेल वाला ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, चैनल पे विश्वास करिए, मुझ पे विश्वास करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।